साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका टीआरटी न्यूज चैनल पर। नियोजित शिक्षकों से वार्ता को राज्य सरकार तैयार, शिक्षा मंत्री ने की शिक्षकों से काम पर लौटने की अपील। यह खबर पटना से चल के आ रही है। समान काम समान वेतन और सेवा शर्त की मांग को लेकर हड़ताल पर चल रहे नियोजित शिक्षकों से बातचीत के लिए सरकार तैयार है। सोमवार को शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने हड़ताली शिक्षकों से काम पर वापस लौटने की अपील की। उन्होंने शिक्षकों से यह भी अपील की कि वे कोरोना वायरस से निपटने में सरकार की मदद करें और सरकार से बातचीत कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। बता दें कि पिछले 17 फरवरी से 3.5 लाख प्रारंभिक शिक्षक और 25 फरवरी से 40,000 माध्यमिक शिक्षक हड़ताल पर हैं। इधर बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के बजनंदन शर्मा ने कहा है कि शिक्षकों को हड़ताल के लिए राज्य सरकार जिम्मेवार है। अभी तक वार्ता की कोई पहल उसने नहीं की है, जबकि हमारी ओर से कई बार वार्ता का प्रयास किया गया। वार्ता होगी तभी समाधान निकलेगा। विधान परिषद में भी छलका दर्द। समान काम समान वेतन के बदले मांग को लेकर महीने भर से हड़ताल पर डटे शिक्षकों का दर्द सोमवार को विधान परिषद में छलका। विपक्ष के शिक्षक व स्नातक विधान पार्षदों के साथ सत्ता पक्ष के सदस्यों ने सरकार से 48 शिक्षकों से वार्ता की जोरदार मांग की। भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के सदस्य भी कार्यकारी सभापति हारून रशीद से सरकार को निर्देश देने की मांग करने लगी। विपक्षी सदस्यों के साथ सत्ता पक्ष के सदस्यों की लामबंदी और हंगामा देखते हुए सदन की कार्यवाही कार्यकारी सभापति ने 20 मिनट के लिए स्थगित कर दी। विपक्ष के संजय कुमार सिंह और केदार पांडे के अलावा सत्ता पक्ष के नवल किशोर यादव और दिलीप चौधरी ने आसाम से तत्काल हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। यही नहीं, इस दौरान विपक्ष के रामचंद्र पूर्वे और सुबोध कुमार के अलावा अन्य कई सदस्यों ने भी सरकार पर शिक्षकों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। संजय कुमार सिंह ने कहा कि सरकार तत्काल शिक्षकों को वार्ता के लिए बुलाए। शिक्षा मंत्री शिक्षक संगठनों से वार्ता में रुचि नहीं दिखा रहे। सरकार शिक्षकों की मांग पर विचार नहीं कर रही। इससे पहले शिक्षकों की मांग को लेकर विपक्ष के सदस्यों ने सदन के बाहर प्रदर्शन भी किया है।